रोज नहाने के शौकीन हैं आप तो हो जाए सावधान। साइंस ने किया बड़ा खुलासा, नहाने से होता है हेल्थ को नुकसान, इम्यूनिटी पर भी पड़ता है असर, आप धीरे धीरे हो रहे हैं बीमार। आपने कई लोगों से सुना होगा कि जब तक नहा न लूं फ्रेश महसूस नहीं कर पाता। वहीं कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई मन चंगा तो कठौती में गंगा। आपका क्या मानना है, इन दोनों तरह के वर्गों में से आप किस में आते हैं? अगर आप रोज नहाने वाले वर्ग में शुमार हैं तो जरा सावधान हो जाएं, क्योंकि जो मन चंगा कठौती में गंगा वाले वर्ग में आते हैं वो तो भाई वाकई में चंगे निकले। अब साइंस तो यही कह रहा है। साइंस के मुताबिक रोज नहाकर आप खुद को तुरंत फ्रेश तो कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी हेल्थ पर बुरा असर डालती है। सुनकर चौंक गए ना? तो भाई जब साइंस ने ऐसा कहा है तो कुछ ठोस वजह भी होगी। तो चलिए जानते हैं आखिर रोज नहाने से हेल्थ पर किस तरीके से बुरा असर पड़ता है। अमेरिका के जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सी ब्रैंडन मिशेल के मुताबिक, अगर जाड़े के मौसम में आप रोज नहा रहे हैं तब आपकी स्किन पर बुरा असर पड़ता है। स्किन स्पेशलिस्ट के मुताबिक त्वचा में खुद को साफ करने की क्षमता होती है। ऐसे में अगर कोई पसीना बहाने वाला हार्ड वर्क नहीं करता है तो उसे नहाने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि रोज नहाने से स्किन का नेचुरल ऑयल निकल जाता है। इसके साथ ही गुड बैक्टीरिया भी पानी के साथ निकल जाता है, इससे स्किन की इम्यूनिटी पर खासा असर पड़ता है। रोज नहाने वालों के लिए बुरी खबर यहीं खत्म नहीं हो जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ उताह के जेनेटिक साइंस सेंटर के शोध का रिजल्ट तो और भी खतरनाक है। इस शोध के मुताबिक अधिक नहाना इंसान के इम्यूनिटी को कमजोर करता है, शरीर बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की क्षमता को खोता जाता है। इतना ही नहीं, खाना पचने में भी परेशानी होने लगती है, साथ ही शरीर भोजन से विटामिन और पोषक तत्वों को अलग करने की क्षमता को भी खोता जाता है। इतना ही नहीं, जाड़े में अगर आप रोज गर्म पानी से नहाते हैं तो ये नाखूनों के लिए नुकसानदायक है। साइंस के मुताबिक गर्म पानी को नाखून सोख लेते हैं और उसका नेचुरल ऑयल निकल जाता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि पहले ये रूखे और कमजोर होते हैं, फिर टूट कर गिरने लगते हैं। एक सर्वे के मुताबिक हम भारत के लोग इसका सबसे ज्यादा नुकसान उठा रहे हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां नहाने वालों की संख्या सबसे अधिक है, क्योंकि यहां नहीं नहाना ना केवल चर्चा का विषय बन जाता है बल्कि जो नहीं नहाते हैं बताने में भी कतराते हैं। लेकिन साइंस के मुताबिक नहीं नहाने वाले न केवल पानी की बर्बादी को कम कर रहे हैं बल्कि खुद को शारीरिक और मानसिक तौर पर भी मजबूत कर रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।